चलिए बेटा, वी विल डू दिस क्वेश्चन. आई विल टेल यू हाउ वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन अगेन. ओके, मुझे ये दिया हुआ था f of x is sin 3x over tan 2x when x less than 0 and 3 by 2 when x is equal to 0. Log 1 plus 3x over e power 2x minus 1 when x greater than 0. सबसे पहले मैंने क्या किया, लेफ्ट लिमिट कैलकुलेट की. लेफ्ट लिमिट के लिए साइन 3x ओवर टेन 2x है. ओके, मुझे पता है अगर मैं डायरेक्ट जीरो पुट करती हूँ तो जीरो बाय जीरो फॉर्म आएगी. साइन 3x बाय जो है 3x, मैंने क्या किया एक्चुअली 3x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया. सेम टेन को सेपरेट करके 2x, टेन के नीचे 2x चाहिए था, 2x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया. ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3x by 2x है, xx cancel, we left with the 3 by 2 और limit sin theta by theta 1 हो गया, limit tan theta by theta 1 हो गया, तो answer is 3 by 2. Okay? रिद्धि, यहां तक पता चला बेटा? रिद्धि, is it okay? चलिए, next. अब मैंने लिया यहां पर right hand limit. Log 1 plus 3x over e power x minus 1. अब यहां मैंने दो फॉर्मूलेज, ये लिमिट के फॉर्मूलेज हैं जो मैं आपको बता रही हूँ जो हमने यूज करने हैं बेटा. मेरे पास तो है व्हाट दीज टू फॉर्मूलाज आर, लिमिट e पावर x माइनस 1 ओवर x, x अप्रोचेस 0, बेटा ये भी 1 होता है, और लिमिट x अप्रोचेस 0 log 1 plus x ओवर एक्स, बेटा ये भी 1 होता है. ओके जी, इन दोनों को मैंने यूज किया यहां पर. कैसे, सबसे पहले जो ये e पावर x माइनस 1 था, मैंने 2x से डिवाइड और 2x से क्या किया, मल्टीप्लाई. ओके जी, अब ये तो मेरे पास क्या बन गया, 1 बन गया ना. देखो e पावर x माइनस 1 ओवर x, ये मेरे पास क्या बन गया, 1, क्योंकि जो x यहाँ है वही x मैंने 2x से डिवाइड और 2x से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में किया. तो अब इसकी लिमिट ये फॉर्मूले से लगाऊंगी तो ये 1 हो जाएगी, ये खत्म हो गया. अब मेरे पास जो है यहाँ पर क्या बचा था, 2x बचा था, लेकिन अब मेरे को log का फॉर्मूला लगाने के लिए जो x यहाँ है वही x बनाना है. यहाँ 3x है तो मैंने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, और जो यहाँ 2 था उसको बाहर ले गई. अब ये सारे के लिए भी लिमिट के फॉर्मूले में 1 आ गया, बाहर 3 बाय 2 था तो ये भी 3 बाय 2 बन गया, और एफ ऑफ 0 पे भी 3 बाय 2 है. लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू राइट लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 पे जो वैल्यू है दैट इज 3 बाय 2, तो हेंस द फंक्शन इज कंटीन्यूअस. ओके बेटा, रिद्धि बात समझ आ गई बेटा? ठीक है जी, अब अगला करें. चलिए, ओके, यस समृद्धि बेटा, यस बेटा. मैम ये जो फॉर्मूले हैं ये लिमिट x अप्रोचेस 0 पे एग्जिस्ट करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, और किसी पे नहीं. 1 होगा, 2 होगा तो हम नहीं लगा सकते. हमने जब लिमिट के फॉर्मूले किए थे तो उसी में ये सारी चीजें हमने जहाँ अप्रोच करवाई थी उसी के लिए होता है, हर किसी के लिए नहीं होता. अब जैसे वो x पार n माइनस a पार n, लिमिट x अप्रोचेस a ओवर x माइनस a, वहां a को, a की वैल्यू जो होगी, 2 है तो 2, 1 है तो 1, माइनस 1 है तो 1, माइनस 1, उसके अकॉर्डिंगली अप्रोच कर. ओके समृद्धि, ठीक है जी. चलिए, नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. मेरे पास जो है मुझे बोला गया था 8th क्वेश्चन जो है रिलेटेड विद दिस. चलिए बेटा, 8th क्वेश्चन मेरे पास जो है ऑफ क्वेश्चन नंबर 17, 8th क्वेश्चन, चलिए वो करने लगे हैं. क्वेश्चन नंबर 17 का 8th पार्ट, व्हाट दैट क्वेश्चन इज, आई एम राइटिंग इट, सेम कॉन्सेप्ट इसमें यूज होना है, e पावर x वाला, तो मैं लिखने लगी हूँ बेटा. अब देखिए जरा ध्यान से, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 17 जो है मेरे पास, एट पार्ट, एफ ऑफ एक्स दैट इज लिमिट, सॉरी फंक्शन दिया हुआ ई पावर एक्स माइनस 1, लॉग जो है 1 प्लस 2x, x नॉट इक्वल टू 0 एंड 7 व्हेन x इक्वल टू 0. ओके, अब बेटा मेरे पास जो है यहां पर कैसे, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी हमने पीछे किया, बट उसका रहस्य, वहां लॉग ऊपर था, ई पावर एक्स नीचे था, यहां पर उल्टा है. तो मेरे पास जो है
क्या करेंगे अब हम लोग जो है लिमिट, अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ राइट हैंड लिमिट कुछ नहीं होगा क्योंकि कोई लेस देन ग्रेटर देन नहीं है, तो मैं सिंपल करूंगी मेरे पास हो गया लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो ई पावर एक्स माइनस वन लॉग वन प्लस टू एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, मैंने ये चेक करना है ना। लेट मी शो यू प्रॉपरली, देखिए चलिए, तो अब मेरे पास जो है लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो ई पावर एक्स माइनस वन, ई पावर एक्स के नीचे मुझे एक्स चाहिए ना बेटा, मैंने एक्स से क्या किया, मेरे पास जो है एक्स से डिवाइड इधर और इधर कर दिया, मतलब इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड है जैसे मैं, ये तो सीधा ही लिमिट सेपरेट की वन हो गया ना। अब मेरे पास क्या बचा, लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो वन ओवर लॉग वन प्लस टू एक्स ओवर एक्स, ये बचा बस। अब मैंने आपको बताया था लॉग वन प्लस एक्स ओवर एक्स, क्योंकि ये लिमिट नीचे चली जाती है सेपरेट हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने अलजेब्रा ऑफ लिमिट किया हुआ है। तो अब बेटा हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर टू एक्स है ना, तो टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड कर दिया मैंने, अब ये कॉन्स्टेंट आपको पता है बाहर आ जाता है, तो यहाँ आंसर कितना आ रहा है वन बाय टू, क्योंकि ये सारा तो लिमिट में मेरे पास हो गया ना सॉल्व हो गया, उधर मुझे दिया हुआ है सेवन एफ ऑफ जीरो पे सेवन, तो क्या वन बाय टू इज इक्वल टू सेवन, नो विच इज नॉट ट्रू, देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो यहाँ ब्रेकेज होगी ही होगी बेटा, बात समझ आई सबको बेटा। दिव्यांशी क्लियर बेटा आपने जो प्रॉब्लम पूछी, ओके नाउ एनी अदर प्रॉब्लम, इसके बाद हम कॉन्टिन्यूटी का चैप्टर नहीं करेंगे। यस काव्या, हाँ जी बेटा बोलिए। यस काव्या मैम इसका नाइन्थ पार्ट भी करवा दो। ओके जी, लेट अस डू नाउ द नाइन्थ पार्ट। ओके बेटा चलिए, क्वेश्चन नंबर सेवन सेवनटीन एंड नाइन्थ पार्ट। ओके व्हाट दैट क्वेश्चन इज, मेरे पास जो है नाइन्थ पार्ट का एफ ऑफ एक्स जो है दैट इज लिमिट ई पावर वन बाय एक्स ओवर वन प्लस ई पावर वन बाय एक्स, मेरे पास जो है इफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ओके क्लियर। अब इसकी कॉन्टिन्यूटी जीरो पर ही चेक करनी है ना, तो लिमिट मेरे पास एक्स अप्रोचेस जीरो ई पावर वन बाय एक्स ओवर वन प्लस ई पावर वन बाय एक्स मेरे पास हो गए, तो दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। अब मैं सीधा अगर पुट करूं ना बेटा, वन बाय जीरो ये नॉट डिफाइंड वन, अब मैं क्या करूंगी लिमिट को सॉल्व करना है, मैंने ई पावर जो ये वन बाय एक्स है ना इसे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया, जब डिवाइड किया मेरे पास वन ओवर ई पावर माइनस वन बाय एक्स, ओके प्लस वन ये बना, ठीक है इधर एफ ऑफ जीरो जीरो ही बना, क्लियर। अब मैं इसको लिख सकती हूं, देखिए लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो वन ओवर वन बाय ई पावर वन बाय एक्स प्लस वन, आई कैन री राइट इट एज दिस। अब जब मैंने यहां पर वैल्यू पुट की वन बाय जीरो, ये क्या बन गया इन्फिनिटी, ई पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी हुआ, वन बाय इन्फिनिटी जीरो जीरो हुआ ना, तो दैट मींस दिस इंप्लाइज वन ओवर जीरो प्लस वन, तो आंसर कितना आया वन, पर दूसरी साइड पे कितना चल रहा है जीरो, तो दैट मींस मेरे पास लिमिट जो है वो उसके इक्वल नहीं है। जब भी ऐसे इन्फिनिटी बने ना वन बाय इन्फिनिटी बना दो, क्योंकि वन बाय इन्फिनिटी जीरो होता है, तो मेरा टारगेट यही होता है मैं इसको, क्योंकि मैं डायरेक्टली पुट करती तो वन बाय जीरो इन्फिनिटी इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी बन रहा है, तो मुझे किसी तरह इसको चेंज कर,
Is it clear to everyone? That's why I have done like this. ठीक है, आगे आप करोगे, this is not equal to f of 0, so the function is not continuous at x is equal to 0. Clear? Now, any other doubt from this chapter? जल्दी जल्दी, किसी को भी बेटा, I'm saying किसी को भी कोई भी problem है तो please tell me. गुरजोत, गुरसीरत, जपन, yes, yes जपन. Yes, Japan Jyot. मैम जो आपने प्रॉब्लम्स इसमें नई टिक की वो ट्राई करें या वो ना करें ट्राई? बेटा अब मैंने सारे ही करवा दिए, ऑलमोस्ट सारे मैंने डिस्कस कर दिए, जितनी असाइनमेंट भेजी है तो सारे करो, वो तो एटलीस्ट करो ना. एनी अदर प्रॉब्लम? यस रिद्धि, यस बेटा. मैम वो 1e^-1x कैसे आया बेटा? जब मैं यहाँ डिवाइड कर रही हूँ e पावर 1/x से डिनोमिनेटर में भी और न्यूमिनेटर में भी, तो जब ये इसके साथ सेपरेट हुआ ये बना 1/e^(1/x), तो ये क्या बन गया बेसिकली? e^-1/x. ओके रिद्धि, चलिए. एनी अदर डाउट? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? देख लीजिए कोई भी क्वेश्चन जो आपको लगता है यहाँ से, प्लीज आस्क मी एनी प्रॉब्लम यू आर हैविंग, प्लीज फ्री टू आस्क मी, क्योंकि इसके बाद हम ये चैप्टर नहीं करेंगे. श्योर? चलिए जी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं. चलो ऐसा करते हैं, 20th क्वेश्चन एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 20th, इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड, वी विल स्टार्ट विद द ट्रिग्नोमेट्री. चलिए क्वेश्चन नंबर 20th करते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 20th. अब मेरे पास क्या है? क्वेश्चन 20, फर्स्ट पार्ट. व्हाट मेंशन हियर, व्हाट इज मेंशन हियर? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू 4. मुझे दिया है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और लिमिट मेरे, सॉरी, फंक्शन की वैल्यू क्या दी हुई है? x-4/x-4 प्लस ए. ओके, इफ एक्स इज लेस देन 4 और ए प्लस बी इफ एक्स इक्वल्स टू 4 और x-4/x-4 प्लस बी इफ एक्स ग्रेटर देन 4. ओके, मुझे बताया है फंक्शन कॉन्टिन्यूज है एंड आई नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. चलिए अब आप सब अपना अपना कीजिए, मैं भी कर रही हूं, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, एंड में आपका और मेरा आंसर मैच होगा. ओके, लेट अस डू दिस क्वेश्चन. चलिए, all of you check whether you get -1 + a in the left limit or not. Please thumbs up those who will get this answer. Thumbs up so that I can come to know. Just one student. Oh my God, out of 20 students, one is putting the thumbs up. Bas, only one, two ho gaye the beech mein. Bas, baki koi nahi. ओ माय गुडनेस, बाकी बच्चे बेटा नवकिरत, विरति, हां जी आर्यमान, गुरजोत, गुरसीरत, इट्स टू बैड बेटा, 2-3 स्टूडेंट जस्ट गिविंग मी द आंसर. चलिए अब राइट हैंड लिमिट डिस्कस करते हैं. लिमिट एक्स अप्रोचेस 4 पॉजिटिव और x-4/x-4 प्लस बी. मुझे पता है जब ये राइट हैंड लिमिट होती है तो मॉड पॉजिटिव आता है, तो ये मॉड हटेगा तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, प्लस बी तो ये कैंसल, 1 + b. ओके, लेट मी शो यू, वेट,
लीजिए ओके, और एफ ऑफ फोर पे आंसर इज ए प्लस बी ओके। फॉर फंक्शन टू बी कॉन्टिन्यूज तीनों चीजें बराबर होनी चाहिए, यानी माइनस वन प्लस ए इज इक्वल टू वन प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी ओके। मैं इसको इसके साथ कंबाइन करती हूँ, मैं इसको इसके साथ कंबाइन करती हूँ, माइनस ए प्लस बी ओके, माइनस सॉरी वन प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए कैंसल बी यू गेट माइनस वन। नाउ वन प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी, इट विल कैंसल, ए इज इक्वल टू वन। चेक इट, हाउ मेनी ऑफ यू गेट दिस आंसर? अर्शदीप वेरी गुड, फिर टू बच्चों का ही हैंड स्टम्प, बस मैक्सिमम दो बच्चे ही करते हैं, वेरी गुड सिक्स, दिस इज द स्पिरिट, वेरी गुड। मन्नत दान काव्या 25, 26, गुड जतिन, जपनजोत गुड, आर्यमन गुड, अनमोल सिंह गुड, 10 स्टूडेंट्स, दैट्स द स्पिरिट, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए ओके, सबको क्लियर हुआ? कोई डाउट है तो रेज योर हैंड, इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन रेज योर हैंड। हाँ जी जपन, यस जपन बेटा, यस बेटा। चलिए इसके बाद, क्योंकि 20th का सेकेंड पार्ट हमने ऑलरेडी किया हुआ था क्लास में डिस्कस, ये नहीं किया था मैंने, कर दिया कि आपको थोड़ा सा एक रिव्यू हो जाए। अब हम करते हैं 21st क्वेश्चन, प्रॉब्लम है जपन की, तो लेट अस डू दिस क्वेश्चन ओके जी। तो मेरे पास हो गए क्वेश्चन 21st, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन, मेरे पास हो गए एफ ऑफ एक्स, लैम्डा मेरे पास हो गए एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, इफ एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, फोर एक्स प्लस वन इफ x greater than 0, और जो है is continuous at x is equal to 0, पहले तो इस पे, and what about the continuity at x plus minus 1, इस पे चेक करना, 0 पे मुझे बता, क्लियर कट के चेक कर लो। अब ध्यान से, ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है फ्रॉम ऑल द क्वेश्चन, जब आपने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है x is equal to 1 पे, 1 वाली वैल्यू कहाँ आ रही है, जीरो से बड़ी, यानी जब आपने देखना है तो एफ ऑफ एक्स आपके पास फोर एक्स प्लस वन नहीं है ओके, तो तब आपने और कुछ नहीं देखना, सिंपल लिमिट एक्स अप्रोचेस वन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, मेरे पास हो गए एफ ऑफ वन। तो जब आप लिमिट एक्स अप्रोचेस वन यहाँ फोर एक्स प्लस वन और एफ ऑफ वन पे भी फाइव, जब यहाँ पुट करोगे फाइव इज इक्वल टू फाइव, the function is continuous at x is equal to 1. अब जब minus 1 लेना है, मैंने x is equal to minus 1, minus 1 पे function ये वाला, तो मेरे पास तो है f of x is lambda into x square minus 2x. Obvious है, जब आप minus 1 put करोगे तो left hand side और right hand side बराबर ही आएगी ओके जपन, क्लियर बेटा? ठीक है, सबको समझ आ गया ना? तो दिस कंप्लीट द टॉपिक कॉन्टिन्यूटी, ईच एंड एवरी क्वेश्चन वी हैव डन फ्रॉम द असाइनमेंट, फिर भी आप कल का टाइम ले लीजिए, कल ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले आपको कोई क्वेश्चन लगता है प्लीज समझिए कि ये आपका टेस्ट ही है कॉन्टिन्यूटी का, कल आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो प्लीज डू आस्क मी टुमारो ओके। उसके बाद अब हम पहले एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री, आफ्टर देन we will do the extra questions, ठीक है बेटा, clear? Till then, बेटा goodbye and take care. किसी ने कुछ पूछना तो नहीं है बेटा? Okay, चलिए, ठीक है बेटा।